उसको बीमारी है, उसका इलाज जरूरी है। प्रधानमंत्री का इलाज बहुत जरूरी है, अब झूठ के अलावा कुछ बोलता नहीं है। पता नहीं क्या खराबी है, मानसिक रूप से बहुत बीमार है वो बेचारा, तो उसका इलाज होना चाहिए। झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलता, त्राण में नहीं, जितने समय भी बोलेगा, जब भी बोलेगा केवल झूठ बोलेगा। मैंने बार बार आपको इस बात के उदाहरण दिए। उन्होंने कहा कि अर्बन नक्सली जो लोग हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग, वो लोगों को भड़का रहे हैं। वो अर्बन नक्सली जिनको बोलता है ना, वही इस आंदोलन की असली ताकत है, वही इस आंदोलन को दिशा देने वाले हैं। और जो लोग इंटेलेक्चुअल हैं, जो दिशा देते हैं, जो समझते हैं तुम्हारी कूटनीति को, तुम्हारी रणनीति को, तुम्हारी कपट नीति को, वो समझते हैं और उसी के अनुसार वो लोगों को गाइड करते हैं। और जब लोग उनके रास्ते पर चलते हैं तो तुम्हारी सत्ता हिलती है, इसलिए तुम उन्हें अर्बन नक्सलवादी कहते हो। लेकिन वो इस देश की अनमोल धरोहर हैं, अनमोल नक्सलवादी नहीं है, वो इस देश की अनमोल धरोहर हैं, वो हीरे हैं जो इस देश में जन्मे हैं, हमें उन पर नाज है और वो इस देश को, इस आंदोलन को दिशा देने के लिए बहुत जरूरी है। क्या लगता है मोदी जी अमित शाह आपस में बात नहीं करते हैं, मोदी जी कुछ बयान देते हैं और अमित शाह जी पार्लियामेंट में? क्या बात करनी है यार, उन्हें मालूम है झूठी बोलना, तू बोल देगा तो ठीक, मैं बोल दूंगा तो ठीक, तो आपस में क्या बात करनी है, वही है सब, रोज वही करना उन्हें, तो बात करें ना करें मुझे पता नहीं क्या करते क्या नहीं करते, पर एक ही नारा है, बोलेंगे भैया झूठी बोलेंगे, बस जब बोलेंगे झूठी बोलेंगे। सर एक आखिरी सवाल, ज्यादातर स्टेट में जो गैर बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम सीए लागू नहीं करेंगे, लेकिन केजरीवाल का अभी तक बयान नहीं आया इस मुद्दे पर। ये दिल्ली की जनता को सोचना, केजरीवाल जिसे इस आंदोलन का हिस्सा होना चाहिए था, इस आंदोलन की ताकत होना चाहिए था, वो सिर्फ अपने चुनावी गणित में लगा हुआ है। उस जनता ने, जो जनता आज सड़कों पर है दिल्ली की, इस जनता ने उसको बहुत मजबूती के साथ में वोट दिया और आज जब सबसे ज्यादा उसकी जरूरत है वो बैठा हुआ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। तो ये जनता को सोचना है कि जिसे तुमने मुख्यमंत्री बनाया और दोबारा जिसे मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हो, वो कितना तुम्हारे इससे ज्यादा गंभीर परिस्थितियां तो होंगी नहीं, इन गंभीर परिस्थितियों में अगर तुम्हारे साथ में नहीं है तो भैया सोचना जनता को उसके विषय में भी पड़ेगा। क्योंकि केजरीवाल को हर सूरत में यहां होना चाहिए था, केवल लोगों को यही नहीं कि बिजली के बिल माफ कर दे, केवल पानी के बिल माफ कर दे, यही नहीं है, लोगों को ये भी चाहिए कि जिस समय सबसे बड़ी दुखद घड़ी है, जिस समय केवल दिल्ली के लोगों पर नहीं, देश के लोगों पर और देश पर जबरदस्त संकट है, संविधान पूरी तरह से बर्बाद, खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, इस तरह से ऐसे समय पर उसको यहाँ होना चाहिए था, जनता के बीच होना चाहिए था, जनता को दिशा देनी चाहिए थी, जनता की ताकत बनानी चाहिए थी। लेकिन अफसोस, केजरीवाल तो केजरीवाल, उसकी पार्टी का कोई भी व्यक्ति, उसकी टीम का कोई भी व्यक्ति यहाँ किसी आंदोलन में जनता के साथ में नहीं। सर आखिरी सवाल, सीएम योगी का बयान आता है कि जो प्रदर्शन के दौरान जो प्रॉपर्टी नष्ट हो रही है, प्रदर्शनकारियों से ही जांच करके उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी और उस पैसे से उसको भरा जाएगा। नहीं, क्या जांच करके की जा रही है? आप कह रहे हैं वो कह रहे जांच करके, मुझे तो लगता है अभी कोई भी प्रॉपर्टी जो सील करके, जांच करके तो नहीं की गई। जांच का तो मतलब सीधा होता है कि आपके पास सबूत हो, आपके पास कोई वीडियो हो कि जिनकी प्रॉपर्टी आप सील कर रहे हो, ये लोग उस आंदोलन में शामिल थे, इन लोगों ने हिंसा भड़काई, इन लोगों ने दंगा भड़काया, और वो आप जनता के सामने रखो कि देखो इन लोगों ने दंगा भड़काया, इसकी ये प्रॉपर्टी है इसलिए हम सील कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो ये सिर्फ गुंडागर्दी है, पर कोई बात नहीं, आज तुम्हारे हाथ में गुंडागर्दी कर लो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अच्छे अच्छे गुंडों का राज, अच्छे अच्छे तानाशाहों का राज इस देश, इस दुनिया में खत्म हो गया। तुम भी किसी खेत की ऐसी मूली नहीं हो जिसे उखाड़ के फेंका ना जा सके, और जनता इस बार फेंक देगी उखाड़। सर एक लास्ट सवाल ये है कि जैसे कि प्रोटेस्ट होता है, जैसे पहले 370 हटी थी तो इन्होंने नेट बंद कर दिया था, अभी कुछ समय पहले प्रोटेस्ट होते तो नेट बंद कर दिया था, आवाज दबा दी जाती है, तो क्या अब की बात नहीं? मुझे नहीं लगता आप भी इस बात को समझते हैं, अभी आवाज दबने वाली नहीं है। हालांकि ये प्रोटेस्ट जो होना चाहिए था, अगर कहीं भी नहीं तो कम से कम 370 पे तो जबरदस्त तरीके से होना चाहिए था, अफसोस 370 पे बोला नहीं गया और उसी का शायद नतीजा है कि ये कदम उठाए गए। लेकिन मैं ये जानता हूँ, मुझे जो ऐसा लगता है, मेरा अपना अनुभव है, ये आंदोलन अब बढ़ तो जाएगा, ये कम होने वाला भी नहीं है, इसे बंद करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। वो झूठे की बात कर रहा है, अरे जिस समय से उठता है, जिस समय तक सोता है, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलता, उसकी बात कर रहे हो।
आप, हर चीज पे झूठ। देखिए हर चीज पे झूठ बोला आपने, उस व्यक्ति पे विश्वास किया जाए जिसकी कोई एक बात तो सही हो, हम थोड़ा बहुत विश्वास करें। उसने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया, भूल गया, झूठ बोला नहीं बोला। काला धन वापस लाने की बात करी, दुगना हो गया काला धन, झूठ बोला नहीं बोला। महिलाओं की सुरक्षा की बात करी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, महिलाओं की इज्जत आबरू तार तार हो रही है सबके सामने, झूठ बोला। नहीं, यकीन करने का मतलब ही नहीं है, किसी को चौकीदार और तड़ीपार पर यकीन करने की जरूरत नहीं है, अपने आप पर यकीन करो। और तुम जानते हो कि ये जो लाए हैं कानून ये गलत है, इस कानून को सरकार वापस ले, नहीं तो सरकार अपना बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से जाने की तैयारी। एनआरसी का कोई जिक्र नहीं है, किसका? वही तो बोला मोदी जी ने, एनआरसी का जिक्र नहीं, तो ये एनपीआर क्या है? आज आपने देखा सुबह सुबह न्यूज थी, आज कैबिनेट की बैठक है और उसमें एनपीआर की बात करी। एनपीआर क्या है? एनपीआर एनआरसी की पहली कड़ी है। क्या मूर्ख समझ रहा, मतलब वही समझता है कि तुम्हारे अलावा किसी और के पास ज्ञान नहीं है? अबे इतनी अकल नहीं है, इतने पढ़े लिखे नहीं हो, तू अपनी डिग्री भी छुपाता फिर रहा है। हम सब समझते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, कह क्या रहे हो, करते क्या हो। सरकार की कथनी करने का अंतर सब लोगों को इस देश में समझ में आ चुका है, तो हम जानते हैं कि झूठ बोला है और किसी भी हालत में उस पर विश्वास नहीं किया जाता, ना ही लोग विश्वास करेंगे। सर सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं कि झारखंड में असम एनआरसी हुई लागू बीजेपी बार। नहीं, आपके सामने है नतीजे, जो 2 फेज के बाकी जो चुनाव थे उसमें इसका असर पड़ा है, और ये जो बाहर हुई है ये उसी वजह से बाहर हुई है। और आगे भी मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि अगर पूरे देश में ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर से चुनाव करा लो आप, ये पूरे देश में साफ हो जाएगी। ये चौकीदार तड़ीपार और इनकी पूरी टीम जो है, इनके सारे गठबंधन के लोग, अगर ये 100 सीट भी ले जाए लोकसभा में, करा लें अगर 56 इंच का सीना, तो हम तो कह रहे हैं ठोक के तू करा बैलेट पेपर से चुनाव, करा पता लग जाएगी तेरी औकात। सर झारखंड में जब 25 सीट आई है ये कौन सा है? झारखंड में जो 25 चीजें आई हैं वो बड़ी गलतफहमी से आई है, या तो ये हो सकता है कि इन्होंने भाई सेंटर अपने हाथ में रहे, स्टेट की जरूरत नहीं है, तो यहाँ कहीं इन्होंने किसी तरह की गड़बड़ी ना की हो, ये हो सकता है। हालांकि उनका ही जो वो भाटिया है, गौरव भाटिया जो एडवोकेट भी है, वो ये कह रहा है कि भाई ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, तो जो बात हम कह रहे थे वो तुम कह रहे हो, और पहले 2014 से पहले तुम ही कह रहे थे ईवीएम की गड़बड़ी, तो कहीं ना कहीं कोई बात है। पर मैं ये जानता हूँ, अगर ईमानदारी से इंडिपेंडेंट चुनाव करा लिया जाए, ये सरकार पूरी तरह से औंधे मुख गिरेगी, साफ हो जाएगी। आप किसमें? नहीं, मैं ये मानता हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने वहाँ गड़बड़ी करी नहीं है, उसमें कामयाब नहीं हुए, और जो नतीजे हैं वो एनआरसी और इसके नतीजे हैं जो लोगों के सामने सीए की सारी बातें आ रही हैं। और बाकी जो भ्रष्टाचार जिस पे ये कहते थे, खुद प्रधानमंत्री उनकी बात करके आया जो भ्रष्टाचार में लिप्त पूरी तरह से, जिन पे इतने गंभीर आरोप हैं, ऐसे लोगों को टिकट दिया और उनके लिए जो काम किया, तो ये जो सारी चीजें हैं ये सब मिलके यहां पर झारखंड में वो नतीजे आए। सर लोग इसीलिए समर्थन भी कर रहे हैं कुछ लोग, मानवीय आधार पर जो पाकिस्तान से जो लोग यहां पर आए हुए हैं 2014 तक जो आ चुके हैं उनको नागरिकता दे रहे हैं। हमें मानवीय आधार पर किसी को भी नागरिकता देने में कोई दिक्कत नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि आपका दिल अगर इतना बड़ा है तो आप केवल वहां तक सीमित क्यों रखते हैं आप? वकील साहब, बस दिल आपका बड़ा है तो और सब तक भी सीमित रखो आप, लेकिन आप केवल मुस्लिम को उसमें एक्सक्लूड कर रहे हैं। क्यों मुस्लिम को क्यों हटा रहे हैं? आपका दिल क्या मुस्लिम तक नहीं जाता आपका दिल? या उसके प्रति आपका वही तंग नजरिया है, वही आपका जो है सांप्रदायिकता वाला नजरिया है? दिल बड़ा कीजिए ना, तो दिल बड़ा कीजिए आप, तो दिल बड़ा करके आप भूटान, नेपाल, श्रीलंका, श्रीलंका के तमिल कब से कर रहे हैं, और म्यांमार के जो वो हैं रोहिंग्या, जो दुनिया में सबसे ज्यादा पीड़ित, सबसे ज्यादा बुरी स्थिति में जो वो हैं शरणार्थी हैं, आप उनकी बात कीजिए। दिल बड़ा करके आप औरों की भी बात कीजिए ना, आप ईरान की भी बात कीजिए, औरों की बात कीजिए, आप यूरोप से जो लोग हैं उनकी भी बात कीजिए। तीन ही देश क्यों चुनने के आपने? आप कह रहे हैं कि भाई दूसरे देशों के जो मुसलमान हैं, जो पीड़ित हैं, उनको भी लीजिए, इस बात को विपक्ष पूरे जोर से नहीं कह पा रहा है। नहीं तो विपक्ष भाई, आप विपक्ष तो खत्म हो गया, अब आप और हम ही विपक्ष हैं, ये सारे के सारे जो लोग देख रहे हैं ना यही विपक्ष हैं। अगर विपक्ष में जरा सी भी लाज शर्म होती, लोगों के प्रति जिम्मेदारियों का एहसास होता, तो कम से कम इस्तीफा देकर सड़क पे हैं लोगों के साथ होता। अगर वो कुछ नहीं कर सकता, उसके बस की नहीं है कि सरकार को हटा सके, गिरा सके, या बिल को पास करवाने में, बिल को रोकने में कहीं भी उसकी भूमिका नहीं है, तो छोड़े उसको सड़क पे आता। विपक्ष खत्म हो गया, बिक गया विपक्ष, और इस समय जो भी जनता देख रही, जनता ही विपक्ष है। ये जनता की लड़ाई है, जनता को ही लड़नी पड़ेगी। सर झारखंड में पीएम मोदी की हार है, रघुवर दास की हार है, क्यों चौकीदार की हार नहीं है? भाई चौकीदार इतनी वहां मीटिंग करके आया, 9 मीटिंग उसने करी, 11 इसके सिपे सलादार तड़ी पार ने करी, तो हार किसकी है? मतलब जीत जाओ तो मेरी जीत, हार जाओ तो उसकी जीत, भाई जीत भी तेरी।
मेरी तो हार भी तेरी है। और लोगों ने तड़ी पार को चौकीदार को नकार दिया, झारखंड की हार इस तड़ी पार और चौकीदार की हार है। क्या लगता है आपको भी एनआरसी सीए का असर पड़ा है झारखंड चुनाव? क्यों नहीं पड़ा, आपके सामने है सारा सब कुछ। क्या एनआरसी से वो लोग प्रभावित नहीं है? उन्हें मालूम नहीं है कि क्या होने वाला है? क्या सीएए से वो लोग प्रभावित नहीं है? क्या जिस समय तड़ी पार ये चौकीदार वहां पे जाके कहता कि कपड़ों से पहचान सकते हैं लोगों को, क्या लोगों ने आंखें मूंछ रखे हैं? क्या लोगों की बुद्धि नहीं है कि समझ पा रहे किसको इशारा कर रहा है? और क्या लोग भूल गए तबरेज को जो मारा, वो झारखंड में मारा ना मॉब लिंचिंग में, जिनको बड़ी मुश्किल से जाके जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है? कोई भी इन सारी चीजों को भूला नहीं है। और ये आने वाले समय में हर प्रदेश में आपने देखा होगा 2017 में, बल्कि 2018 में, मार्च 2018 में 70% एरिया पर इनकी सरकार थी, जो सिमट के अब मात्र 32% पर रह गई है। तो ये आपके सामने है, सरकार का जाना निश्चित है, जाना ही पड़ेगा। सर, जो ये सरकार सिमट रही है, इसमें आप क्या मानते हो, लोकल मुद्दे हैं या फिर ये राष्ट्रीय मुद्दे? दोनों मुद्दे हैं, लोकल भी हैं, राष्ट्रीय भी हैं। राष्ट्रीय मुद्दे क्या उन लोगों से जुड़े हुए नहीं है? एनआरसी होगा तो क्या वो लोकल मुद्दा है? उनका भी मुद्दा है, वो लोकल भी है और राष्ट्रीय भी है। तो दोनों मुद्दे हैं, राष्ट्रीय भी और लोकल भी, जिनका असर पड़ता है और जिनसे लोग प्रभावित होते हैं, दोनों ही इसमें शामिल हैं और उसी के अनुसार ये रिजल्ट आए हैं। अगर ये माना मुद्दा जो राष्ट्रीय वाला मुद्दा जो है कुछ महत्व नहीं रखता, तो प्रधानमंत्री वहां जाके क्यों कहते हैं, 370 की बात क्यों करते हैं, एनआरसी की बात क्यों करते हैं, क्यों करते हैं सीएए की बात क्यों करते हैं? ये सारी की सारी चीजें भाई, मुद्दे आप बना रहे हो तो मुद्दे हैं, वो चाहे लोकल हो चाहे उसके हो राष्ट्र के हो, जो मुद्दे सरकार बनाएगी वो मुद्दे हैं, सरकार को उनका जवाब देना पड़ेगा और नहीं तो जनता देगी जवाब जो जवाब दिया है। सर, जो रामलीला मैदान में 93 मिनट का जो भाषण है, लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि 80 मिनट मोदी जी ने उसको छूट दिया। ये 13 मिनट का ही को छोड़ दिए, मैं तो कह रहा हूँ 93 मिनट ही झूठ बोला, सच बोलता ही नहीं वो।